हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा अभिमन्यू आई आई एज अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन यू पी एस सी एंड पी सी एस प्रेपरेशन एंड हैज प्रोड्यूस्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन एंड यह एक सीरीज आपके लिए फ्रेश लेकर आया है जिसका नाम है टू द पॉइंट टूडेज टॉपिक इज मिसड सबमरीन केबल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इफ यू विश टू कवर होल ऑफ़ द करंट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल सो देर इज अ कोर्स दैट इज इज गोइंग ऑन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड एंड उसके अंदर प्री बोथ आपके कवर हो जाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म में ये अवेलेबल है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं मूविंग ऑन टू टूडेज टॉपिक दैट इज मिस्ड सबमरीन केबल किसी भी देश के लिए कम्युनिकेशन को मेंटेन करना खासकर आज के जमाने में जहाँ पे जियो बहुत अहम एक रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो so, आज हम देखेंगे इसमें इस टॉपिक के अंदर और थोड़ा सा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको एक कोस्टल रेगुलेशन जोन की क्लियरेंस होती है वो इस सबमरीन केबल को जो है वो दे दी गई है सबमरीन केबल अगर किसी को नहीं पता क्या है वो भी हम इस वीडियो में आ, आने वाले टाइम में भी डिस्कस करने वाले हैं तो कोस्टल रेगुलेटरी जोन बेसिकली अब से पता लग रहा है कि कोस्ट को रेगुलेट करना है जोन वाइज तो इसके जोन्स होते हैं इसका टेबल है सीआरजी वन सी आर जी टू सीआरसी थ्री की अगर किसी जोन को सीआरजी वन हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके अंदर क्या क्या अलाउड है क्या क्या बिल्कुल अलाउड नहीं है सो so, ये कुछ उस स्टाइल में है इनकेस आप इसको और पढ़ना चाहें तो डू रिसर्च अबाउट इट मूविंग ऑन टू टूडे टॉपिक दैट इज मिस्ड सबमरीन केबल अब मिस्ड की एक फुल फॉर्म है दैट इज इट कनेक्ट्स इंडिया विथ कंट्रीज कौन कौन सी ये वाली कंट्रीज म्यांमार थाईलैंड मलेशिया एंड सिंगापुर ठीक है ये हमने ध्यान रखना है कि मिस्ट के अंदर आपका इंडिया कवर्ड है है ना एस से सिंगापुर कवर्ड है टी से थाईलैंड कवर्ड है एम से देर आर देर आर टू कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो वाली म्यांमार एंड मलेशिया एक तो क्वेश्चन आपको यहीं पे घुमा अगर यहाँ पे मान लो ऑप्शन में मॉलिव डाल दिया और आपको याद है कि यार एम से दो हैं अब वो कौन कौन से हैं यू डोंट रिमेंबर तो वहां पे थोड़ा इशू हो जाएगा तो टू द पॉइंट में हमें ये भी याद रखना है सो so, क्या चीज है मिस सबसे पहले हम उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं एट्टी वन किलोमीटर लॉन्ग ये आपके लिए काम का नहीं है लॉन्ग इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंट्री के लिए एंड खासकर इंडिया अब ये कहाँ पे है कंट्री ये एशियन कंट्रीज है हमारे से ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट में राइट right? सो so, वहाँ पर हम वैसे भी देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको अगर हम एक सुपर पावर बनने की हमारी इच्छा है तो सबसे पहले हम नेबरहुड में स्टार्ट करेंगे तो नेबरहुड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक ठीक है तो ये आपको 8100 किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है इनके सर आपको वीडियो देख के याद हो गया तो वेल एंड गुड है कांग्रेचुलेशंस अंडर सी कनेक्ट करेंगे ये किसको इंडिया को विद द कंट्रीज म्यांमार थाईलैंड मलेशिया एंड सिंगापुर ये कहां टर्मिनेट होगी आके इट विल टर्मिनेट इन मुंबई मुंबई के वर्सोवा बीच के अंदर आके ये टर्मिनेट होगी वी हैव टू सी uh, की uh, हमारी बहुत सारी केबल्स तमिलनाडु कोस्ट पे आके टर्मिनेट होती है चेन्नई पे आके टर्मिनेट होती है लेकिन मिस्ड केबल जो है वो मुंबई में आके टर्मिनेट होगी ये आपको ध्यान रखना है टू द पॉइंट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है आपको बहुत ध्यान से इसको एक बार डाल लीजिए दिमाग में क्या करेगा इट विल प्रोवाइड सिक्योर रिलायबल रोबस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम फैसिलिटीज इन एशिया विद द मेन ट्रंक रूट फ्रॉम टू आस सिंगापुर टू मुंबई इन इंडिया ये इसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के ऊपर चर्चा हुई है दिस द मैप दैट लुक्स लाइक होगा कौन सी है इसमें मलेशिया म्यांमार थाईलैंड अगेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर आपको इन कंट्रीज को नॉर्थ से साउथ लगाने को कहा जा सकता है, है ना तो अभी आप उसको यहां पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर म्यांमार देन थाईलैंड मलेशिया एंड देन वी हैव सिंगापुर अब यहां पे आप कंफ्यूज क्या होंगे आप म्यांमार में लगा दोगे मोस्ट ऑबली आप सिंगापुर पे लगा दोगे ये बीच में जो दो कंट्रीज आती हैं ये थोड़ा सा जो है आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है सो so, इस इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऊपर एम है देन टी देन एम ए देन एस आई आपको यह याद रखना है कि म्यांमार देन थाईलैंड देन मलेशिया एंड देन वी हैव सिंगापुर और कहां पर यह कर रही है ये कौन सा बीच था हमारा यहाँ पे वर्सोवा बीच था वहाँ पे कनेक्ट कर रही है इसको भी आप एक बार वीडियो पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन दीज आर दी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो इस टाइप के हैं जो इंडिया वेरियस कंट्रीज के साथ आ, डील करने वाला है सबमरीन केबल्स के थ्रू जो कनेक्शन बनने वाली है सो so, इसके ऊपर भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं क्या क्वेश्चन आएगा इसको हम अभी देखने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में कि वट आर दी प्रॉबेबल क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकते हैं रिलायंस का आई ए एक्स प्रोजेक्ट है है ना इसके बाद इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है तो किसको करेगा इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा तो कहाँ कर रहा है वो इटली और इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है सऊदी अरेबिया एंड ग्रीस अगर आपको इंडिया यूरोप एक्सप्रेस याद भी आ गया सो देर इज़ अ चांस कि आप सऊदी अरेबिया को जो है वो मिस कर दो तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक ये प्रोजेक्ट है सी मी वी सिक्स प्रोजेक्ट और ये किसको कवर करेगा सिंगापुर को फ्रांस से और बीच में हम पढ़ रहे हैं इंडिया बांग्लादेश आ रहा है और साथ में मॉलडीव्स भी आ रहा है हमारी जो मिस्ड केबल थी उसमें मॉलडीव्स नहीं था हमारी सी मी वी सिक्स प्रोजेक्ट के अंदर वी हैव मॉलडीव आल्सो देन वी हैव अफ्रीका टू केबल जो इंडिया को यूके से वाया सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज से कनेक्ट करेगा अगेन अफ्रीका टू केबल जो है इट इज कनेक्टिंग इंडिया विद यू के लेकिन नाम इसका अफ्रीका से है तो अफ्रीका आपको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखने वाली बात है लेट्स डिस्कस थोड़ा सा जस्ट फॉर आर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं टू द पॉइंट ये क्या होता है सबमरीन केबल इट इज लेड ऑन वे सी बेड के ऊपर बिटवीन लैंड बेस्ड स्टेशन मतलब हम दो जगहों को कनेक्ट करते हैं विच आर लैंड बेस्ड स्टेशन वाया सी बेड केबल ठीक है यह ध्यान रखना है वो तो आपको सब मरीन से इस वर्ड से ही वैसे क्लियर है ये थोड़ा रिडेंडेंट पॉइंट है बट इट इज गुड टू डिस्कस बिकॉज वंस द टॉपिक इज कवर्ड ऑन टू द पॉइंट इट इज कवर्ड दैट्स वाई इट इट्स देयर ये भी सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उनको ये समझ में आगा कि यू फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक छोटी सी स्लाइड है वो भी हम देख लेंगे अभी एंड अगेन इट इज मोर रिलायबल कॉस्ट एफिशियंट एंड ऑफ लार्जर कैपेसिटी किसके कंपेरिजन में कम्पेयर टू सेटेलाइट सी यहां पर अब एक स्टेटमेंट बन सकती है कि कंपेयर टू सेटेलाइट सब मरीन केबल्स आर मोर रिलायबल एफिशियंट एंड रोबस्ट तो ये स्टेटमेंट सही होगी बिकॉज सेट तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये सही रहेगी सैटेलाइट की कॉस्ट एफिशिएंसी उतनी नहीं होती है उसका डेटा लिंक उतना नहीं होता जितना आप इसको वाया ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू कर सकते हो सो so, कंपैरिजन में सम मरीन केबल्स आर मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑप्टिक फाइबर के बारे में इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बट इट इज गुड टू नो कि अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में तो टू द पॉइंट सीरीज में सबका एक बराबर फायदा दैट्स आई हैव पुट इट है बाई द वे ऑप्टिक फाइबर इट इट इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ सो रिलायेबल और इसकी डाटा स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है एंड जो इसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर शायद क्वेश्चन आ सकता है एंड मोस्ट ऑफ यू शुड मार्केट राइट इट इज़ ऑन टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ये आप कई जगह और भी टॉपिक अपने ये नाम सुना होगा एंड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट ट्रेवल करती है आ, हमारे मीडियम के थ्रू एंड टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो हो के यू गेट डेटा एट वेरी हाई स्पीड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इसके ऊपर प्रॉबेबल क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्टू कैन पॉज दीडियो राइट नाउ एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन आई विल बी मूविंग ऑन राइट नाउ क्वेश्चन है कि मिस्ड सी मी वी सिक्स आई एक्स आई ई एक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज आर दर बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इफ यू नो वट दीज आर तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना तो क्या बोला आर्टिक एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट आर्टिक एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ विच इंडिया इज नॉट अ पार्ट अब देखो यह कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और कितना बढ़िया तरीके से इसको फ्रेम किया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको गेस करना हो मान लो आप लगभग 50 क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन कर ली है कि यार कुछ तो अटेम्प करना ही है और रिस्क लेना ही है यहाँ पे आपको उलझाने वाली बात है इंडिया इज अ पार्ट इंडिया इज नॉट अ पार्ट तो ऑब्वियसली अगर हम हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा तो हम यहीं पर सोचेंगे कि यार इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा बट इनमें से आंसर नहीं है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सबमरीन कम्युनिकेशन केवल एल ई ओ लोअर अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट फाइव जी कम्युनिकेशन तो अब देखो फाइव जी भी करंट में चल रहा है तो ये सारे बहुत प्रॉबेबल से आंसर्स बन जाते हैं बट दैट वी नो कि इसमें ये है तो ये वाला क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद यही था कि आपको एलिमिनेशन करनी आ जाए कि और समझ में आ जाए कि देर आर सर्टन टॉपिक्स जिनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है अदरवाइज अगर आपको पता है तो आप अटैम्प्ट लोगे नहीं है तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो वंस यू नो यू नो अदरवाइज यू डोंट नो और देखिए ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने प्रॉपर रिविजन नहीं करी है तो इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं system, सबसे पहली गलती जो यहां पे हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि आप ये पढ़ना मिस कर दोगे एंड आपको ऑप्शन में दीजिएगा कि यार आप, मतलब बिल्कुल ओपोजिट आंसर लगा के आ जाओगे I mean तो इसमें बोला है पार्ट तो so, हम देख लेते हैं है है? है, कहा मुंबई है में कंफ्यूज so, तो तो होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है आपको लग रहे हैं जो मैंने आपको बताया था एक मॉल डीव कन्फ्यूज करने वाला है क्योंकि एम से है एंड दूसरा है इंडोनेशिया क्योंकि हमें याद होगा कि यार कुछ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ का मामला है ये और इंडोनेशिया उस तरफ ही है है ना तो इस हिसाब से आप आंसर मार्क कर लीजिए अफगानिस्तान अफगानिस्तान नहीं है इंडोनेशिया नहीं है श्रीलंका नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट वन थ्री फाइव एंड सिक्स कहाँ पे वन थ्री फाइव एंड सिक्स तो फोर्थ ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट नहीं है उसको यहाँ पे पूछा गया है सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक एक नए टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आप वो कोर्स जो है चेकआउट कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस थैंक यू सो मच